हमने सोचा बहुत और मैंने रियलाइज करा है कि मुझे ही ओपन करना चाहिए। सुबेश फुगरे इंसान एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 3 मैच हार चुके हैं और उस मैच हारने के बाद भाई साहब मतलब कि लगते हैं कि वो फाइनल में मैच नहीं खेल पाएंगे ईसीएल का। और इसके बारे में वो पहले उन्होंने तो बताया कि हमारी टीम बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मतलब कि मेहनत करी 2 महीने से लगातार, लेकिन अभी सामने आ रहा है जो वीडियो आपको भी मैं दिखाता हूँ वो क्या बोले मैं भाई आपको। ये प्लेयर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, अबे स्ट्रॉन्ग क्या भाई, मेहनत करी 2 महीने, स्काउट करी है बंदों 2 महीने, लेदर से हमने कॉस्को में स्विच करा जो तुम प्रोफेशनल लगे हुए हैं, बट मेहनत से जीतेंगे भाई, मेहनत से जीतेंगे। एंड 3 मैच लगातार हारने के बाद उनके मम्मी जी और उनके पापा जी भी मिले थे और मम्मी जी व्लॉग भी बना रही थी, उसके बाद उन्होंने बात की आप देखिए वो क्या बोले। छक्के मारने आता है हर टीम में, 2 छक्के तो मारने आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुंबई से खेलने आए हो आप, अब आदत अच्छी हो गई है, बहुत बढ़िया हो गया, चलो अब घर चलते हैं। गाइस गाइस मेरे खेल जासूस आया बेचारा, मैं करूं से बड़े अंडे मैं बोले करूं ना, 6 बॉल में 6 छक्के तो मैं भी नहीं खाऊं भाई। मैं सोच रही थी एक बार तो डांस करने का मौका मिले, हमने सोचा बहुत और मैंने रियलाइज करा है कि मुझे ही ओपन करना चाहिए क्योंकि मेरी टीम से तो नहीं होगा। तूने ये रियलाइज नहीं किया क्रिकेट थोड़ी, कोई बात नहीं मुंबई से आए हैं बेचारे, सॉरी हमारा तो नाम भी बैंगलोर है। सो यहाँ पे आप बताना भाई साहब फुगरे इंसान ने जो कुछ भी बोला इनके टीम के बारे में कि हमारी टीम है जो मतलब कि आगे शायद नहीं खेल पाएगी, तो आपको क्या लगता है इनकी टीम जो है वो मतलब कि वीक है या फिर बहुत ही अच्छी है, बाकी किसकी टीम से आप इनकी टीम को कंपेयर कर रहे हो कमेंट में बताना, बाकी आप इनमें से किसको टीम को सपोर्ट कर रहे हो ये भी जरूर बताना।